देखिए इस वक्त मनोज तिवारी नामांकन करने जा रहे हैं और उनका जो रोड शो चल रहा है इस वक्त जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और मनोज तिवारी से ही जानते हैं। मनोज जी, इससे पहले जब चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग, इस बार तो एक साथ, कन्हैया कुमार उम्मीदवार, कितनी बड़ी चुनौती। मगर इसके पहले जो हम नॉमिनेशन कर रहे थे तो ऐसा जन समर्थन सड़कों पे हमने नहीं देखा, जबकि ये समापन पे है अभी जब आपसे बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी लोगों का जो प्यार है, जैसे अपने अपने घरों के पास लोग बैठे तो इन लोगों के प्यार से, इनके आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास से ये साल का इशारा ही अलग है। लेकिन अभी जब हम लोग चर्चा करें, कुछ देर पहले कन्हैया कुमार सुनीता केजरीवाल से मिल चुके हैं, अब हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल एक साथ में उनके लिए वोट मांगने आए। देखिए, सुनीता केजरीवाल जी से मिल गए कन्हैया कुमार, आम आदमी पार्टी का हो गया बंटाधार, अब इनकी जो बची खुची है सब खत्म हो गई कांग्रेस की, और अब आम आदमी पार्टी ने अपना समाप्त कर लिया। मैं समझता हूँ ये स्वार्थ की राजनीति देशद्रोहियों तक मिलाने के लिए आ गई। अब सत्य हो गया कि ये पुन्नू से चंदा ले सकते हैं। आप अपने विरोधी उम्मीदवार को देशद्रोही करार दे रहे हैं? अरे अभी तो कोई आरोप ही नहीं तय हुआ। पुन्नू से पैसा लेने का भी आम आदमी पार्टी पे आरोप है, और आज भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों से मिलना, आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी कहाँ गई। और अरविंद केजरीवाल जेल में है कहा जा रहा है, निगरानी करवा रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही, जनता उनके साथ में है। जनता 6 किलोमीटर चल के नॉमिनेशन कराने आ चुकी है, और मैं जो दिख आप जो दृश्य देख रहे हैं ये पिछले 3 घंटे से ऐसे चल रहा है। मैं इस प्यार का, इस विश्वास का, हम अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का सेवा करके देंगे। अभी तक सिग्नेचर ब्रिज बनाया, शास्त्री पार्क बनाया, एलिवेटेड रोड बनाया, मेट्रो लाया, सेंट्रल स्कूल बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया, अब आगे गामड़ी रोड बनाना है, सोनिया बिहार रोड बनाना है, करावल नगर रोड बनाना है, अभी जाकर गोकुलपुर के ड्रेन बनाना है, लोगों के सपने को और आगे बढ़ा। अपने काम गिरा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में है कहा जा रहा है, सीसीटीवी से आप लोग लगातार निगरानी करवा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से इतना डर है क्या? लगातार निगरानी, जेल भी अरविंद की, कैद भी अरविंद की, वो जैसे चाहे रहे, वो कृपया गुमराह न करे, जो व्यवस्था है उन्हीं की है, अगर अपने लोगों से डर गए हैं तो फिर बीजेपी को दोष न दे। तो साफ तौर पर मनोज तिवारी जिनका ये कहना है कि जनता के बीच में जा रहे हैं, जो काम किया है उन मुद्दों को लेकर के, और इसी आधार पर जनता से वोट की अपील भी करेंगे, और नामांकन से पहले पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी, जो अकेले ऐसे सांसद हैं जिनको टिकट में रिपीट किया गया है या जिनको एक बार फिर से बनाया गया है उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से। सहयोगी कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी नामांकन करने निकले हैं और कुछ इस तरीके का रोड शो निकाला जा रहा है इस वक्त दिल्ली की सड़कों के ऊपर। मनोज तिवारी अकेले सांसद हैं जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर रिपीट किया है, इससे इसके अलावा जो 6 सांसद हैं उनका टिकट कट गया है, और मनोज तिवारी इस वक्त अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर निकले हुए हैं। अभी क्या कहेंगे, पिछली बार तो मुकाबला टफ था, लेकिन इस बार तो सुनीता केजरीवाल भी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, क्योंकि वो जेल में है, वो भी आ रही है प्रचार के लिए। मैं ज्यादा खुश होती अगर सुनीता केजरीवाल जी, जब अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार कर रहे थे तो उनको रोकती। साफ तौर पर देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, मनोज तिवारी इस वक्त जो है किस तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है नामांकन का जो है दिन है, लिहाजा यहां पर नामांकन करने के लिए निकले हैं मनोज तिवारी, और नामांकन के दौरान पैदल ही जनता के बीच में कुछ देर ऐसे रोड शो किया है, और अब जो है पैदल ही जनता के बीच में उतर चुके हैं, क्योंकि मनोज तिवारी को भी पता है कि एक मौका है कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का, जनता से जुड़ने का, और इसी वजह से तमाम लोग देख सकते हैं कि जो अपना मोबाइल हाथ में निकाल करके इस वक्त सेल्फी ले रहे हैं, तो कोई जो है अपने साथ में जो फोटो क्लिक करवाना चाह रहा है, लेकिन ढोल नगाड़ों के साथ में मनोज तिवारी
आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम जो है उनके इस रोड शो की बात करते हैं, सुबह करीबन 10:30 बजे शुरू हुआ था, दोपहर का 2:30 बज रहा है, यानी करीबन 4 घंटे का वक्त हो गया है और मनोज तिवारी का ये रोड शो अभी भी जारी है। लेकिन क्योंकि नामांकन का वक्त अब कम रह गया है, लिहाजा जल्दी जल्दी कोशिश की जा रही है कि डीसी ऑफिस पहुंचा जाए जहां पर नामांकन भरना है। लेकिन सहयोगी कैमरा पर्सन हेमंत की मदद से आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि मनोज तिवारी लगातार कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर लंबा रोड शो और उतने ही लगातार समर्थक और कार्यकर्ता उनके साथ में। तो जो तस्वीरें हैं उसकी एक बानगी जरूर दिख रही है, जहां पर इस वक्त हजारों की संख्या में गाड़ी मनोज तिवारी के साथ में है, जो कार्यकर्ता हैं, जो बाइक सवार हैं वो उनके साथ में है, वहीं जो दुकानदार हैं या फिर जो है स्थानीय लोग हैं वो भी जो है उनका एक तरह से समर्थन करते हुए या उनको देखने के लिए जो है इस तरीके से तस्वीरें ले रहे हैं अपने जो है मोबाइल में कैमरे में। तो कुल मिलाकर के राजनीति, आप जो दिल्ली की राजनीति के हिसाब से बात की जाए तो अब चुनाव जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, 25 मई को मतदान होना, उससे पहले तमाम उम्मीदवार कर रहे हैं नामांकन और उन्हीं में से एक है बीजेपी के उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार मनोज तिवारी। सहयोगी कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंकित गुप्ता, IBP News, दिल्ली।